छोटा मछली को ना ध्यान दे, अंतिम सवाल बड़े लोगों को ध्यान, अंतिम सवाल आपसे लगता है कि वे शर्मी का हद है ना, सर सरकार को अपने जो शासन प्रशासन का जो तंत्र है उनके ऊपर अंकुश लगाए, कहे कि जो सच्चाई है उसको लाए। छोटा नमस्कार, स्वागत है आपका डीटीवी भारत में और मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब विधानमंडल के परिसर में शराब की बोतलें मिली थी, शराब की खाली बोतलें मिली थी, तो मुद्दा कितना गर्मा सा गया था, बिहार की सियासत गर्मा गई थी। जो बयानबाजी है वो चालू हो गई थी, रुकने का नाम नहीं ले रही थी और अभी तक वो थमी नहीं है एक तरीके से। और इस पर राजद विधायक रितलाल यादव का बयान आया है, उन्होंने एक तरीके से सरकार को घेरा है और कहा है कि जो पुलिस है वो गलत जगह पर जांच कर रही है, वो छोटी मछली को पकड़ रही है, बड़ी मछली को छोड़ रही है। क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। वे शर्मी का हद है ना, और उन्होंने ऐसा कर दिखाया, निकले भी बाहर, सामने उनको सर्च भी किया गया, निकला क्या दारू, तो क्या इसमें माफी मांगनी चाहिए थी? सरकार को अपने जो शासन प्रशासन का जो तंत्र है उनके ऊपर अंकुश लगाया, कहे कि जो सच्चाई है उसको लाए, छोटा मछली को ना ध्यान दे। अंतिम सवाल, बड़े लोगों को ध्यान, अंतिम सवाल आपसे लगता है कि होम डिलीवरी हो रही है खुद तरीके से, आपका व्यापार अभी नहीं रुका है, 5 साल हो गए? नहीं हो रही है, इतने लोग मर क्यों रहे हैं, इतने लोग पी क्यों रहे हैं? रोड पर जाके देखिए, जहाँ के तहाँ आपको दारू मिलेगा, हर व्यक्ति परसेंटेज लोग दारू पी हो रहते हैं। तो कैसे होगा, इतना ज्यादा विधायक है तो बताएंगे ना कि हाँ बगल में झारखंड है, नेपाल है, कलकत्ता है। पहले ही बताया है कि सरकार ने शराबबंदी जो किया है वो ठीक है, लेकिन खामियां बहुत सी रह गई थी। उनको सोचना चाहिए था कि हमारा नेपाल है, हमारा यूपी है, हमारा बंगाल है, हमारा झारखंड है, इसको पहले व्यवस्थित ढंग कर लें, तब सरकार को मतलब शराबबंदी का योजना बने, नहीं तो फिर कितना भी यदि चोटी लगा लेंगे कुछ होना कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आपका बॉर्डर नहीं सील करेंगे, बॉर्डर पे आप जो पदाधिकारी हैं वो लोग नहीं एक्टिव होंगे, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगा, तब तक कुछ मतलब वहाँ घुसखोरी होती होगी। हाँ बिल्कुल हो रहा, घुसखोरी होती होगी। तो सुना आपने क्या कुछ कहना है रितलाल यादव का, शराबबंदी पर उन्होंने काफी कुछ कहा, साथ साथ ये भी बताया कि जो सरकार है एक तरीके से निशाना साधते हुए कहा कि सरकार छोटी मछली को पकड़ती है, बड़ी मछली को नहीं पकड़ती है, सरकार को देखना चाहिए था, शराबबंदी पर ध्यान देना चाहिए। आपको बता दें बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र पर विधानमंडल के परिसर में शराब की खाली बोतलें मिली थी, जिससे एक तरीके से बिहार की सियासत गर्मा गई थी, बयानबाजी चालू हो गई थी और इस पर तेजस्वी यादव मौके पर पहुंचे थे, उन्होंने देखा था और साथ साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था, सरकार पर तंज कसा था, निशाना साधा था, जिसके बाद से सदन में भी ये मुद्दा उठा था। और इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना था कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ है और इस पर कार्रवाई की जाएगी। तब से मुद्दा अभी तक चल ही रहा है कि किस तरीके से बिहार के विधानमंडल के परिसर में जिस तरीके से खाली बोतल मिली थी, अभी तक भी सियासत गरमाई हुई है। शराब का मुद्दा हमेशा से उठता आया है बिहार में, चाहे बात करें गोपालगंज में जैसे जहरीली शराब से लोगों की मौतें हुई थी, तब से मुद्दा और भी ज़्यादा गरमाया गया है शराबबंदी पर। और साथ साथ नीतीश कुमार ने इस पर समीक्षा बैठक भी की थी, मैराथन बैठक भी उसको कहते हैं, 7 घंटे तक चली थी और उस पर यह कहा गया था कि सब पर कार्रवाई होगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए शराबबंदी रहेगी और सबको पकड़ा जाएगा। नीतीश कुमार ने मद्य निषेध दिवस पर शपथ लेते हुए यह भी कहा था कि अगर मैं भी ऐसा कुछ करता हूं तो मुझ पर भी कार्रवाई होगी। फिर जिस तरीके से बिहार के विधानमंडल के परिसर में शराब की बोतलें मिली है, बिहार की सियासत गर्मा गई है और सवाल खड़े हो रहे हैं सरकार पर, और इसी पर रितलाल यादव ने सरकार को निशाने पर लिया है। अब आगे देखना होगा कि और क्या कुछ होता है। आप देख रहे थे डीटीवी भारत, धन्यवाद। Oh,